अक्सर आपने पफर फिश को फूलते हुए देखा होगा, पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये फूलती कैसे हैं? पर आप सबको लगता होगा ये गुब्बारे की तरह होती हैं, क्योंकि इनके अंदर हवा होती है, पर असल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इनकी पेट में हवा नहीं बल्कि पानी होता है। ये फूलने के लिए सबसे पहले तेजी से पानी का एक लंबा घूंट लगाकर सामान्य शरीर से 3 गुना बड़ी हो जाती हैं। ये वैसा ही है जैसे कि इंसान अपनी कमर को 3 मीटर की परिधि तक फुला ले। पफर इसीलिए फूल पाती हैं क्योंकि इनके अंदर रिप्स नहीं पाई जाती। पर इन बेचारी के साथ एक खामी है, वो ये है कि ये भोजन को पचाने की क्षमता खो चुकी है, क्योंकि इनकी आंतों को सारा काम करना पड़ता है। बोन्स ना होना ही पफर के लिए अच्छी बात है, क्योंकि शोधकर्ताओं ने देखा कि जब पक्षी मछलियों को खाते थे तब उन्होंने 11 पफर मछलियां पकड़ी, लेकिन उन्होंने उनमें से आधी गिरा दी क्योंकि मछलियां फूलने लगी थीं। खाली चोंच के साथ निराश पक्षी लक्की हो सकते हैं, क्योंकि पफर के पास फूलने के अलावा इनके शरीर में टेट्राटॉक्सिन नामक न्यूरोटॉक्सिन होता है, जो साइनाइड से 1200 गुना ज्यादा जहरीला होता है, जिससे 30 वयस्क मनुष्यों की जान भी जा सकती है।